एक बार फिर से स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के नंबर वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की या बेस्ट कनेक्टेड फीचर्स वाले इलेक्ट्रिकल स्कूटर की, तो वहां पर नाम आता है एथर 450 या एथर 450X जो नया वर्जन है। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास। अगर सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह सब कुछ ऐड करें, 1.5 लाख तक इसका प्राइस पहुंच जाता है, जो कि हर किसी की रीच में नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता इतना खर्चा करने लायक इलेक्ट्रिकल स्कूटर पर। जबकि नॉर्मल अगर हम एक्टिवा की बात करते हो, 70-75 थाउजेंड का एक्टिवा आ जाता है, तो सीधा डबल प्राइस है, हर किसी के लिए मुश्किल है इसको बाय करना। लेकिन आज मैं एक ऐसे ही एक और स्टार्टअप है, उनका एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर है, उसकी बात करूंगा जो कि कनेक्टेड फीचर्स में काफी हद तक मुकाबला करता है एथर 450 का, और प्राइस उससे सीधा हाफ है, 50% कम, 65 थाउजेंड। तो ये है स्टार्टअप, इसका नाम है बैटरी इलेक्ट्रिकल स्कूटर, का नया मॉडल लॉन्च किया है, जीपीएस आईई फुली इंटरनेट कनेक्टेड या सिम बेस्ड ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। पहले इसके फीचर्स की, फिर स्पेसिफिकेशंस, ये सब हम आज बात करेंगे। टॉप 10 फीचर्स की बात कर लेते हैं पहले। सिम बेस्ड पूरा ये कनेक्टेड फीचर रहेगा, ऐप बेस्ड मीन स्मार्टफोन के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इसके फीचर्स को, या अगर घर बैठे अगर पीसी पर भी कंट्रोल करना तो थ्रू पोर्टल आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। व्हीकल लोकेशन असेस कर सकते हो थ्रू जीपीएस। ड्राइविंग बिहेवियर आपको ये इसके अलर्ट मिलते हैं, मीन्स हर ड्राइव के बाद आपने स्कूटर को कैसे चलाया, कहीं कोई गलती तो नहीं की, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। रिमोट इमोबिलाइजेशन, जियो फेंसिंग, सिक्योर पार्किंग, स्पीड अलर्ट, अलार्म आपको मिलेंगे अगर आप कहीं भी ओवर स्पीड होते हो, एक्सीडेंट अलर्ट, टोवे अलर्ट, रिवर्स गियर, कीलेस एंट्री, एंटी थेफ्ट अलार्म, इतने सारे फीचर्स आपको इस स्कूटर में मिलेंगे। और पूरे इंडिया में तकरीबन 50 डीलर लोकेशन हैं इनकी, और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तकरीबन आपको ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इवन अमेजोन पर भी जाकर आप इसको बुक कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपको 48 वोल्ट और 24 एम्पियर, 48 वोल्ट 24 एम्पियर की LFP बैटरी मिलेगी। लिथियम नहीं है ये, LFP बैटरी, इसमें कोबाल्ट यूज नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। BLDC मोटर इसमें रहेगी, जिससे कि आपको मैक्सिमम 65 किलोमीटर की आपको यहाँ रेंज मिलने वाली है, थोड़ी सी कम है एथर से। टॉप स्पीड यहाँ आपको 45 से 50 की मिलने वाली है, ये भी थोड़ी सी कम है। चार्जिंग टाइम बहुत अच्छा है, 3 घंटे में फुल चार्ज होता है, बड़ा लाइट वेट है, 60 kg का। ड्यूल डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाली है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलने वाला है, ये सब फीचर रहेंगे। अगर आपको यहाँ पर टॉप स्पीड और रेंज से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतनी सफिशियंट है, 65 किलोमीटर और 45 से 50 की टॉप स्पीड आपको सफिशियंट है, तो आई थिंक जो इसका प्राइस है 65,000 ये काफी हद तक जस्टिफाई करता है इस स्कूटर को। तो बिल्कुल फिर से कह रहा हूं कि जिनकी गुंजाइश नहीं है एक फुली कनेक्टेड स्कूटर खरीदने का, लाइक एथर खरीदने का, वो इस स्कूटर का एक अच्छी ऑप्शन कह सकते हैं, जो कि है बैटरी का जीपीएस आईई मॉडल। तो ये था आज के लिए अपडेट, उम्मीद है कि आपके मतलब का ये आज की ये अपडेट रहा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।